नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया मोटर कार पे। जी हां दोस्तों, आज जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल यूनिक ट्रैक्टर आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सोलिस की 4215। ये जो ट्रैक्टर है 43 HP की ट्रैक्टर है और ये दोस्तों मार्केट में जैसे ही इंडिया में ये कदम रखी है, लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्टाइलिश आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश। और आज की जनरेशन के हिसाब से इसमें आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिलेगा, वो भी दो नहीं दोस्तों, चार मिलेगा। और साथ ही दोस्तों आप इसकी डिज़ाइन लाइनअप देखिए, आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, बहुत ही ज़्यादा हाइटेड है बाकी अदर ट्रैक्टर की अपेक्षा में। चाहे आप इसका छोटा HP का भी ट्रैक्टर देखेंगे दोस्तों, उसके में भी आपको यहाँ पर फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी अदर ट्रैक्टर में ये पोजीशन काफ़ी उठा हुआ रहता है और ये पोजीशन नीचे रहता है, लेकिन आपको सोलिस के हर एक ट्रैक्टर में फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और आज मेरे साथ फिर जुड़ चुके हैं सत्यम सर। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके आपने जैसे सत्यम सर को मेरी पुरानी वीडियो में ही देख ही चुके होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहा वो। अगर आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूँगा, आप देख भी सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सर ने सोलिस का ट्रैक्टर का उसमें जानकारी दी और आप किसान भाइयों ने आपने डिमांड किया, आपने कमेंट किया कि हमें जो है सोलिस की 4215 का भी डिटेल दिखाओ। तो आज इस वीडियो में मैं वो भी ट्रैक्टर लेकर आ चुका हूं। और सर आज इस ट्रैक्टर के बारे में आप डिटेल बताएंगे। जी जी, सबसे पहले तो मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ सर, मैं सत्यम जैन सोलिस ट्रैक्टर कंपनी से हूँ। मैं अभी धीरज जी से मुलाकात पिछली बार भी हुई है जी, है ना, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी धीरज जी बिलासपुर आशीर्वाद ट्रैक्टर जो सोलिस एनमार ट्रैक्टर का डीलरशिप है, ऑथराइज डीलर है यहाँ पे बिलासपुर में जी। तो धीरज जी से फिर से एक अलग अनुभव रहेगा इस बार। बिल्कुल। तो धीरज जी, मैं इस बार आपको सोलिस ट्रैक्टर के बारे में 4215 मॉडल हमारा 43 HP का ट्रैक्टर है जी, जो इसको हम लोग 45 कैटेगरी भी बोलते हैं, लेकिन इसको 43 HP ही इसको 43 HP ही ट्रैक्टर है, मतलब जो कंपटीशन में उतरती है 45 HP के कैटेगरी पे उतरती है। और ये जो ट्रैक्टर है 43 HP का है। बिल्कुल सर, अब इसमें आप वो ट्रैक्टर को देख के तो आप समझ ही गए हो काफ़ी एग्रेशन में, और इसका लुक जो है, सबसे पहले मैं लुक की बात कर ले रहा हूँ उस ट्रैक्टर का जी। हाँ सर, जो इसको डिजाइन किया गया है जी, इसको डिजाइन किया गया एरोडायनामिक शेप में, इसको बोलते हैं बिल्कुल सर, जो हवाई जहाज का शेप होता है जी। हाँ सर, उस शेप में इसको डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन करने का मकसद ये है कि इसमें हवा का कटाव जो बेहतर तरीके से होता है बिल्कुल सर, जिससे आपको स्पीड भी अच्छी मिलती है और माइलेज भी आपको बेहतर मिलता है जी। हाँ सर, इस डिजाइन में आप बोनेट के डिजाइन के साथ साथ इसमें हम लोग 4 प्रोजेक्टर लैंप LED DRL लाइट के साथ देते हैं। सर आप ये बताइए, ये 2 प्रोजेक्टर लाइट भी दे सकता था कंपनी, लेकिन 4 ही क्यों? सर एक्चुअली कंपनी ने जो इसको डिजाइन किया गया है जी, किसानों की सेफ्टी के लिए काफ़ी ध्यान रखती है कंपनी कि किसानों को क्या क्या, जैसे इसको ट्रांसपोर्टिंग में भी चलाना है आपको जी। हाँ सर, तो रोड में आपको अपर बीम पे आप ट्रैक्टर लाइट नहीं चला सकते हो, वहाँ पे आपको लोअर बीम की जरूरत, पासिंग के लिए आपको जरूरत पड़ती है, तो अपर बीम और लोअर बीम दोनों को यूज़ कर सकते हो आप। अब इसमें आप हम लोग प्रोजेक्टर लैंप के साथ LED DRL लाइट भी देते हैं बिल्कुल सर, जो सॉलिड सिग्नेचर लाइट है। ये आपको एक तो साइड विजन, मतलब ये आपको दोनों टायर पे भी रोशनी पड़ेगी बिल्कुल, आप अंधेरे में आप ट्रैक्टर चलाते हो, आपका टायर गड्ढे में नहीं जा रहा है तो वो भी आप। सर ये एरोडायनेमिक को जरूर बोला जाता है, लेकिन इसका मेन खासियत क्या है सर, एरोडायनेमिक कैसा है ये? एक्चुअली सर इसका जो एरोडायनामिक शेप है आप इसको देखेंगे जी, तो इसका जो बोनेट है जी, एक तो हम लोग इसको डिजाइन इस तरीके से किए हैं कि आपको अभी सामने से देखोगे तो एरोप्लेन का लुक आता है जी। उसके साथ साथ हमने इसमें जो आप देखेंगे काफ़ी फाइबर दिख रहा होगा बिल्कुल सर, ये एक्चुअली आप ऊपर से फाइबर दिख रहा है, लेकिन इसमें हम लोग इंजन को जो कूलिंग सिस्टम है जी, इसको 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। अच्छा सर, जो बोनेट में आज की डेट में कोई ट्रैक्टर कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी बिल्कुल, और जब तक इंजन में हवा लगती रहेगी, आप इंजन से कितना भी काम करवाओ, आप कितना भी आप लंबे समय तक इससे काम कर सकते हो, आपके इंजन गर्म नहीं करेगा। जैसे अपर एक स्टेज अपर स्टेज है बिल्कुल, सामने फ्रंट से भी आप सामने से भी हवा जाने का पूरा आपको जाली दी हुई है जी, साइड से भी आप देखेंगे जाली दी हुई है जी, और ये अतिरिक्त फिन लगी हुई है। अब इसमें आप देखोगे इसमें भी हम लोग LED लाइट जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक लुक आता है। और आज की डेट में आप कारों में भी आप देखते हो तो दिन में भी कारों में LED लाइट जलती है जी। हाँ सर, सेफ्टी पर्पज से वो एक्सीडेंट ना हो जी, वो सब पर्पज के लिए आज के लिए लाइट प्रोवाइड की जा रही है जी। तो वही कंपनी का उद्देश्य है कि किसान किसी भी प्रकार का, किसान को नुकसान ना हो, किसी भी प्रकार दुर्घटना का शिकार ना हो। काफ़ी हैवी इसको फुट स्टेप भी लगा के दिया है जी, ये काफ़ी हैवी है, और पकड़ने के हैंडल भी देके रखेंगे, आप आराम से इजीली आप इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। बाकी ट्रैक्टरों में
ऊबड़ खावड़ प्लेटफॉर्म होता है, ये हम लोग समतल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको जी। इसको फ्लैट प्लेटफॉर्म बोलते हैं, समतल प्लेटफॉर्म बोलते हैं जी। स्पेस काफी रहेगा इसमें आपको, उतरने चढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी आपको। आप सीट भी देखेंगे, सीट आप कार जैसा सीट है, आप इस पे लंबे समय तक आराम से काम कर सकते हो, कई घंटों काम कर सकते हो। बाकी ट्रैक्टरों में आप 4-5 घंटे पर थकावट महसूस करने लगेंगे, इसमें आप डेली आप 12 घंटे भी आप कंटिन्यू काम करोगे, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। बिल्कुल सर। अब इस पे पोजीशन देखेंगे जी, स्टीयरिंग का, सीट का और लीवर का, बिल्कुल एकदम परफेक्ट पोजीशन में है। आपको लगेगा नहीं आप ट्रैक्टर पर बैठे हैं, आपको लगेगा आप बोलेरो चला रहे हैं या कोई देखा जाए तो कोई महंगी गाड़ी चला रहे हैं। आप इसमें देखेंगे पूरा डिजिटल मीटर है जी, मीटर देख के और आपको जो अभी जो कार टाइप की जो फीलिंग है वो मीटर देख के आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कार वाला फीलिंग आपको आएगा। मीटर आपको डिजिटल मीटर है जी, इसमें आपको घड़ी प्रोवाइड करके रखे हैं, आपको डिजिटल में आपको कितने घंटे आपकी गाड़ी चल चुकी है वो भी आपको दिखेगा जी। और आप इसका सर्विस का भी आपको इंडिकेट करेगा उसी में आपको जी सर। और आपका यदि रेडिएटर जाम होता है, रेडिएटर यदि हीटिंग करता है तो भी आपको उसी में आपको इंडिकेट करेगा कंपनी के द्वारा। जो भी हमारा जो भी आप सर्विस यहाँ से जो मैकेनिक हमारा हेड मैकेनिक होता है वो कस्टमर के घर जाके उसको इंस्टॉलेशन करके सारी चीज़ों की जानकारी देते हैं। बिल्कुल सर, मतलब आपका सर्विस पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो घर जाके सर्विस प्रोवाइड करा रही है जी। बाकी ट्रैक्टर में आप देखेंगे तो वायरिंग ना सीधी यहीं से कनेक्ट करके सीधी पीछे लेके जाते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि वायरिंग सिर्फ एक पॉइंट सिंगल पॉइंट निकला हुआ है जो लाइट में फिट है, बाकी आपको अंदर तक कहीं वायर आपको दिखेगा नहीं, पूरा अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वायरिंग इसके फिटिंग की गई, लाइट की फिटिंग की गई जी। हाँ सर, ये चक्के पे मट्टी मताई में फंसने की वजह से वायर कटना शुरू हो जाता है और वो डिसकनेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये वायरिंग इसकी पूरी अंडरग्राउंड है, आपका वायर में कनेक्शन से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बारीक से बारीक चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कंपनी जो है नोटिस करके किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर को तैयार की गई है। देखेंगे तो इसमें हम लोग आपको एक तो प्लाउ लैम्प बोलते हैं इसको, बिल्कुल सर ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग नंबर प्लेट के लिए भी अलग से एक एडिशनल प्लेट लगा के देते हैं जिसमें आपको लाइट भी रहती है हमारे हाइड्रोलिक के लिए। यदि आप ट्रॉली का काम करते हैं, हॉलेज का काम करते हैं, चूँकि ये हमारा देखा जाए तो मास्टर है हॉलेज के लिए, ट्रॉली काम के लिए, ट्रांसपोर्टिंग काम के लिए ट्रैक्टर जी। तो उसमें आपको अलग से जो हम लोग डेप्थ लीवर वो यूज़ करते हैं ट्रॉली उठाने के लिए जी। इसमें हम लोग अलग से एक लीवर दे के रखे हैं जो आपका सिर्फ ट्रॉली के लिए ही काम करेगा। हाई सेंसिंग इसका जो हाइड्रोलिक है ना, जो जिसमें हम लगाकर फिट करते हैं जी, हाई सेंसिंग क्वालिटी का लगा हुआ है जी। आपको जितनी डेप्थ आपको चाहिए उतनी डेप्थ में आप सेट करके नागर को जो यहाँ पे कल्टीवेटर बोलते हैं कल्टीवेटर तो उसको अपने अपने हिसाब से आप जितने डेप्थ आपको चाहिए सेट करके आप यूज़ करो। आपका यदि कोई अवरोधक आता है या पत्थर आता है नागर में, कोई फंसता है कुछ भी चीज़ जी, तो वो ऑटोमेटिकली सेंसर अपने आप नागर को ऊपर करके सेम डेप्थ के अंदर उसी डेप्थ में जो आप डेप्थ सेट करके रखे हो उसी आपको नागर अंदर चला जाएगा आपको। सर इसमें जो ब्रेक सिस्टम दिया गया है उसकी क्या क्वालिटी है? सबसे पहले किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि बाकी जो ट्रैक्टर में ब्रेक सिस्टम आता था, पहले सूखा ब्रेक आता था, उसके बाद ओआईवी ब्रेक आने लगा जी, उसको बोलते हैं ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक। अच्छा सर, अभी हम लोग जो इसमें जो ब्रेक सिस्टम दे रहे हैं वो ऑयल ब्रेक आउटबोर्ड सिस्टम दे रहे हैं। अच्छा, जो आपको देखा जाए तो आजकल जो कारों में ब्रेक यूज होते हैं है ना, आपको रगड़ने के ब्रेक लगे पकड़ने वाले ब्रेक यूज बोल सकते हैं, उसको पकड़ के लगने वाले हैं, हमेशा ऑयल में डूबे हुए ब्रेक रहेंगे और लो मेंटेनेंस ब्रेक है आपके। ब्रेक गाड़ी खड़ी खड़ी कभी कभी जाम हो जाती है आपकी जी। हाँ सर। लेकिन ये इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये आपको कितने भी आपका टाइम तक गाड़ी खड़ी करके रखो आपका ब्रेक जाम नहीं होगा है ना। जैसे किसान भाई लोग काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं जी। हाँ सर। तो पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ब्रेक के लिए, क्लच के लिए, एक्सीलेटर के लिए जी। हाँ सर। तो एक्सीलेटर पैडल को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो फुट रेस्ट के उस पर काम कर सकते हैं जी। आप पैर को इस पर आराम से टिका के यूज़ कर सकते हो। इसमें आप देखेंगे एक सिंगल पुश टाइप बटन है जिसको बोनट खोलने में इसको दबाते हैं, बोनट ऑटोमेटिकली अपने आप ऊपर चला जाता है। और इसको आप अंदर से यदि आप नोटिस ध्यान देंगे जी तो सर। अंदर से आप देख सकते हैं कि जो मैं 660 एयर कूलिंग की बात कर रहा था आपको, आप इजीली देख सकते हो जी। हाँ सर। कितनी जगह से उसमें हवा जाने के लिए आपको चारों जगह से हवा जाने का जगह दी गई। अब आप देख सकते हो रेडिएटर भी काफ़ी हैवी है, बड़ा रेडिएटर है। इसमें जो मैं सेंसर की बात कर रहा था, रेडिएटर में यदि आप कभी कभी हम साफ़ करना भूल जाते हैं, कचड़ा निकालना भूल जाते हैं तो रेडिएटर गर्म होने लगता है या इंजन गर्म होने लगता है, तो ये उसको आपको इंडिकेट कर देगा। ये सेंसर लगा के दे रहे हैं हम लोग। अब इसमें आप मजबूती के लिए आप आगे देखेंगे फ्रंट बम्पर है ना, तो कंपनी फिटेड हैवी बम्पर हम लोग लगा के देते हैं जी सर। ये ट्रैक्टर को मजबूती भी देता है जी। और इसका जो बैटरी है
बैटरी भी वेट का काम करती है, बिल्कुल सर, एक आगे वजन का काम भी करती है, और बैटरी को सेट भी इस तरीके से किया गया कि आपको रेडिएटर के सामने बैटरी नहीं आ रही है, ताकि बराबर मात्रा में जो सामने से हवा जो इंजन को लगती है वो बराबर मात्रा में लग। और इसमें आप देखेंगे है ना, एक कूलेंट के लिए है, आपको पानी डालने की जरूरत नहीं, ड्राई टाइप एयर क्लीनर जो मैं जैसा कि मैं बताया हूँ आपको, इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें आप कूलेंट का यूज करते हैं जो कारों में यूज करते हैं और बाकी बड़ी ऑटोमोबाइल बड़ी गाड़ियों में यूज। अब इसमें हम लोग पावर स्टीयरिंग के लिए बात करें जी सर, तो इसमें हम लोग मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग देते हैं जी सर। इस मैकेनिकल पावर स्टीयरिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो पावर स्टीयरिंग यूज कर सकते करते हैं जी। बाकी कंपनी में आपका जो गियर बॉक्स का ऑयल आता है जी। वो ही पावर स्टीयरिंग का ऑयल में यूज करते हैं। अच्छा, जिससे उसमें क्या होता है कि ऑयल सील, क्योंकि गियर में उसके अंदर काफी गियर काम करते हैं गियर बॉक्स में, तो उनका जो कचरा होता है जी। अंदर फ्रिक्शन होता है, एक टाइप से रगड़ते हैं गियर, आपस में रगड़ते हैं, तो उनका कूड़ा कचरा जो भी निकलता है वही ऑयल यहाँ पे आता है जी। हाँ सर, तो यहाँ पे जो ऑयल सील लगी रहती है वो कटने के चांसेस होते हैं और वहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है। बिल्कुल सर, हमारे इस पावर स्टीयरिंग में आपको सेपरेट ऑयल टैंक देखे रखे हैं पावर स्टीयरिंग के लिए जी। और हम लोग जो ऑयल सील है ये जापानीज ऑयल सील है, वाटरप्रूफ ऑयल सील है। अच्छा, इसमें आपको कटने का पानी में कुछ भी इसमें ऑयल सील की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा लोगों के मन में शंका रहता है कि ट्रैक्टर तो वो ले लेंगे लेकिन पार्ट से रिलेटेड उनके मन में बहुत बड़ा डाउट रहता है सर, उसके बारे में आप बताइए। सर एक्चुअली कंपनी और पहले भी यहाँ पे इंडियन मार्केट में आ जाते जी, लॉन्च हो जाती, लेकिन उसमें पहले सबसे पहले जो किसानों को पार्ट्स की प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले पार्ट्स की सप्लाई किए थे मार्केट में ट्रैक्टर लाने से पहले जी। आप रायपुर में हमारा स्टॉक है पार्ट्स का जी, डीलरशिप पे आपको सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी पार्ट्स, आप यदि आप देखना चाहें तो आप पार्ट्स को भी मैं रिकॉर्डिंग करवा दूंगा, सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं जी। 5 साल की वारंटी हम लोग देते हैं प्रोडक्ट में, कुछ भी प्रॉब्लम होता है 5 साल तक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे जो भी हमारे ऑथराइज डीलर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको बना के। इसमें हम लोग E3 इंजन दे रहे हैं सॉलिड ट्रैक्टर में। अच्छा सर, ये E3 टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा टॉर्क, एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा पावर मिलेगा। बिल्कुल सर, और एक्स्ट्रा पावर तब मिलता है जब हम लोग इसका इंजन का साइज हम लोगों ने बड़ा किया है। अच्छा सर, और इसमें हम लोग RPM काफ़ी कम किए हैं जी, जैसे बाकी ट्रैक्टरों में जो है, जैसे मैं आपने 43 HP का ट्रैक्टर है मेरा जी, इसमें हम 1800 RPM में आपको 43 HP बना के देते हैं। अच्छा सर, मात्र 1800 RPM में, और बाकी ट्रैक्टरों में आप 2100-2200 RPM में आपको 40 HP 39 HP आप और भी बता कर सकते हैं मार्केट में कि यदि 39 HP का ट्रैक्टर वो कितने RPM में आपको 39 HP बना के दे रहा है। बिल्कुल, 2100-2200 RPM में आपको 39 HP बना के देते हैं, हम लोग आपको 1800 RPM में 43 HP बना के दे रहे हैं। बिल्कुल, तो मतलब आपका ये है कि आपका इंजन, जितना आपका इंजन काम करेगा बिल्कुल उतना मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन हमारा इंजन आपको 1800 RPM मतलब बाकी ट्रैक्टर से 400 RPM कम है जी। हाँ सर, तो उतना आपको इंजन कम कर रहा है, ताकत आपको बाकी ट्रैक्टर से ज्यादा बना के दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आपका फ्यूल कंजप्शन कम होगा जी। हाँ सर, आपका मेंटेनेंस कम होगा जी सर, क्योंकि इंजन कम काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है आपका मेंटेनेंस कम होगा। और जो 500 घंटे में सर्विसिंग का ऑप्शन है वो E3 इंजन की वजह से है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग के जो पार्ट्स हैं क्वालिटी, सारे पार्ट्स काफ़ी हैवी पार्ट्स लगा के दिए हैं जी, तो आपको एक स्मूथनेस आता है। आपका पावर जो ट्रांसमिशन होता है इसका P2HP मैं आपको बताना चाहूँगा, 39.75 P2HP इसका, आपका जो HP यहाँ पे बन रहा है और यहाँ से बन के पीछे तक कितना HP ट्रांसफर कर रहा है वो मैटर करता है। एक ट्रैक्टर में आप कोई भी ट्रैक्टर में आप बात करेंगे तो हमारे 5 से 6 HP हर कंपनी का कम हो जाता है, लेकिन हमारे ट्रैक्टर में 3 या 4 HP कम हो रहा है, मतलब इसकी जो पार्ट्स की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, ताकि जितना पावर यहाँ बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे तक सप्लाई कर। मैं सॉलिड ट्रैक्टर माइलेज, जैसे आप रोड में चलाते हैं ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, तो अभी तक जो भी किसान भाइयों का जो भी उनने मुझे फीडबैक दिया है जी, है ना, या उनने मुझे रिजल्ट बताया है जो यूज़ कर रहे हैं जी, वो इसका 2.5-2.5 लीटर रोड में एवरेज बताते हैं जी, है ना। बाकी इसमें हम लोग 5 गियर दे रहे हैं जी, 5 गियर आपको फॉरवर्ड है, 5 गियर अच्छा आपको रिवर्स है, अच्छा मतलब यदि लो हाई रिवर्स मिला के 15 गियर हैं टोटल, जो अच्छा कोई ट्रैक्टर कंपनी आपको 43 HP में नहीं देगी। 43 HP में आपको कोई ट्रैक्टर कंपनी आपको 15 गियर नहीं देगी, और उसके बाद आपको मैक्सिमम जो रोड स्पीड है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। प्लस पॉइंट सबसे ज़्यादा यही है कि समय के साथ साथ आपका डीजल बचा के देगा, लो मेंटेनेंस है, 500-500 घंटे में इसमें सर्विसिंग का ऑप्शन है। अच्छा सर, बाकी अदर कंपनी कितने में सर्विसिंग करवाती हैं सर? बाकी ट्रैक्टर 200-250 घंटे का ऑप्शन रहता है जी। बाकी में सर सॉलिस कंपनी जो है, मैं सोचता हूँ ये कंपनी को बहुत पहले ही इंडिया में आ जाना था, लेकिन दोस्तों वाकई में ट्रैक्टर की खासियत बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और सर आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।
और दोस्तों मैं अपने चैनल में हमेशा इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूँ, बाइक, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, जेसीबी, इन्हीं पर मैं वीडियो लाते रहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।